लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। कशावन में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा PDPL श्रमिकों का SDM महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। भारतीय मजदूर संघ ने PDPL मालिक के खिलाफ आकाशत रैली निकाली। 5 माह का वेतन, EPF गैजेट और मालिक को तुरंत गिरफ्तार कर भगोड़ा घोषित किया जाए। बिना नोटिस के कंपनी बंद होने पर औद्योगिक क्षेत्रों की डिटेल के मजदूरों ने कई बार क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और शासन प्रशासन के द्वारा जो उधर सपा मजदूरों के प्रति देखी गई, इसे मजदूर आक्रोशित है। भारतीय मजदूर संघ में मांग की है कि इनका पैसा भुगतान किया जाए, वरना आगामी दिनों में भारतीय मजदूर संघ बड़ा आंदोलन करेगा और जरूरत पड़ी तो चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित होगी और आने वाले समय में सेठ के बंगले का भी घेराव किया जाएगा। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। आज जो ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? आज ये ज्ञापन PDPL प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, जो विगत 5 महीनों से मजदूरों को धोखा दे के भाग गई है और बिना सूचना दिए भाग गई है, उसको तुरंत मालिक को भगोड़ा घोषित किया जाए, तुरंत मजदूरों का पैसा दिया जाए और 4 साल का PF स्टाफ सहित मजदूरों को मालिक ने भरोसा तोड़ा है। बड़े बड़े मुख्यमंत्री सबमिट करते हैं और बड़े बड़े मजदूरों से वादे करते हैं। आज निमरानी औद्योगिक क्षेत्र उद्योगपतियों का शोषण करने वाला गढ़ बन गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मजदूरों को जल्द पैसा दिया जाए, अन्यथा भारतीय मजदूर संघ बड़ा आंदोलन करेगा। क्या नाम है आपका पूरा? नरेंद्र पटेल, भारतीय मजदूर संघ, जिला मंत्री खरगोन।